कैसे हैं आप लोग? हमारे YouTube चैनल BPSC असिस्टेंट पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार समग्र सीरीज के चैप्टर नंबर 6, जलवायु एवं मृदा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? क्या प्रदेश बिहार में नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है? क्या औसत उच्चतम तापमान पूछा है, तो औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है? तो गया का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है? क्या सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, तो कौन है? तो यह आपका हो जाएगा किशनगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज। गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी है क्या? किसकी? दक्षिणी मैदान की, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो किस मिट्टी का है? यह आपका बलथर मिट्टी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, तो किसका है? तो इसको तराई का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला है क्या? जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला है, तो कौन है? तो ये आपका पूर्णिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु है, तो बिहार की जलवायु कैसा है? तो आपका बिहार की जलवायु मानसूनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मानसून कब आता है? क्या पूछा? बिहार में मानसून कब आता है, तो कब आता है? ये आपको आता है जून के मध्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्णिया और सहरसा जिले के किसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? क्या नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपको पाई जाती है ये सहरसा जिले में, सॉरी सहरसा में भी पाई जाती है, पूर्णिया में भी पाई जाती है, दरभंगा में भी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो आपको सुपौल में भी पाई जाती है, किशनगंज में भी पाई जाती है, सीतामढ़ी में भी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बिहार में लेटराइट मिट्टी का किस भाग में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो आपको छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है, तो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, छपरा, अररिया, किशनगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है कहाँ? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी विस्तारित है, तो कहाँ से कहाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, बाढ़, मोकामा, बरहिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? या आपको कहा जाता है चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग, चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग को भावर के मैदान का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? भांगर या बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में सर्वाधिक कहाँ है? तो कहाँ है? या आपको रोहतास एवं गया जिलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल है क्या? जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल है तो कौन कौन है? तो आपको धान है, गेहूं है, ईख है, चना है, अरहर है, बाजरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में? क्या कौप मिट्टी की
प्रधानता बिहार के किस जिले में है, तो किस जिले में है ये आपका भागलपुर जिले में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। क्या? बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो शीत है, ग्रीष्म है एवं वर्षा, तो तीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मौसम से प्राप्त होती है? तो किस मौसम से प्राप्त होती है? तो ये आपको बंगाल की खाड़ी से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? क्या पूछ रहा है? मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो कब होता है? ये आपको अक्टूबर के मध्य में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो ये आपके होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है? क्या? झंझावातीय वर्षा होने का कारण है, तो क्या उनका कारण होगा? तो चक्रवातीय तूफान के कारण, यानी कि रिमझिम वर्षा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है, तो सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या? ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है कौन से भाग में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो किस नाम से पुकारते हैं? आपको लाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कांप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दियारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पेडिमोंट स्वैम्प मिट्टी, क्या पेडिमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? ये आपको सीतामढ़ी जिले में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा रिस्पॉन्स में मानदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है? क्या पूछा? देश का पहला राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवार्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? क्या? टीवार्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा? तो किस श्रेणी में रखा है? उपोषण कटिबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपोषण कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? क्या पूछा? मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? तो किस जिले में होता है? आपको किशनगंज में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज। बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्या पूछा है? बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो ये आपको क्षारीय भी होती है, अम्लीय भी होती है और बलुई भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल कृषि होती है? किस फसल की कृषि होती है? तो इसका कपास की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। तो इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं और आपको नेक्स्ट लेके आएंगे प्रवाह तंत्र एवं सिंचाई के क्वेश्चन। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।